ग्यारसपुर थाना परिसर में आगामी होली और रंगपंचमी त्योहार के तहत शांति समिति की बैठक थाना परिसर में संपन्न हुई, जिसमें तहसीलदार अजय शर्मा, नायब तहसीलदार सृष्टि श्रीवास्तव, थाना प्रभारी ब्रजेश भार्गव और नगरवासियों, गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में आगामी होली रंगपंचमी की त्योहारों को देखते हुए नगरवासियों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें नगर के गणमान्य लोगों के सुझाव लिए गए। सभी नगरवासियों ने एक स्वर में कहा, ग्यारसपुर नगर हमारा शांति प्रिय नगर है। यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल दी जाती है। सभी एक दूसरे के त्यौहार मिलजुल कर मनाते हैं। इस बैठक में मीडिया के द्वारा तहसीलदार से पूछा गया कि प्रशासन के आगामी त्यौहारों को लेकर क्या तैयारी है। तब उन्होंने जवाब दिया कि सभी नगरवासियों को मार्गदर्शन दिया गया है कि सभी भाईचारे और शांति सद्भाव के साथ पूर्ण तरीके से इस त्यौहार को मनाएं। विदिशा से आशीष सेले की रिपोर्ट। तैयारियाँ जो परम्परा से ग्यारसपुर में चली आ रही हैं त्यौहार मनाने की, वही परम्पराएँ यहाँ पर यथावत रहेंगी और उन्हीं धार्मिक आस्थाओं के साथ यहाँ इस बार भी रंग पंचमी के दिन विशाल बिहारी जी के मंदिर से विमान उत्सव निकलेगा। दुर्गा चौक, बस स्टैंड और जो भी धर्म प्रेमी अपने घर पर विमान रोकने की व्यवस्था करेंगे, उनके यहाँ भी विमान श्री कृष्ण जी का, भगवान जी का, बांके बिहारी जी का जाएगा और बांकी के ग्यारसपुर में शांतिपूर्वक सभी लोग होली मनाते हैं। अपरिचित को कोई जबरदस्ती रंग गुलाल भी नहीं लगाता, जिनसे परिचित हैं वही आपस में होली मिलन करते हैं और धुरैली के दिन भी सब लोग आपस में ही प्रेम से होली मनाते हैं और होली जलने का कार्यक्रम भी रात में शीघ्र अतिशीघ्र निपटाने की कोशिश करेंगे और जो भी यहाँ की परंपराएं धार्मिक हैं उन धार्मिक परंपराओं के अनुसार ही ये होली का त्यौहार इस बार मनाएंगे। ऐसी मेरी धार्मिक उत्सव समिति अध्यक्ष के साथ और बाकी पूरे गाँव वालों के जो मेरे साथी लोग हैं, पूरे गाँव के सभी लोगों के साथ भी हमें ये त्यौहार बहुत अच्छे से आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए ये शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी और सभी जो होली और रंगपंचमी का जो त्यौहार आ रहा है उस पर सभी भाईचारे से त्यौहार मनाएं, शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्यौहार मनाएं, सभी से ये अपील की। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।